हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर आपने अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना हो तो अलग अलग शब्दों में आप उनको आमंत्रित कीजिए, जोरदार तरीके से, पूरी तालियों की गड़गड़ाहट से, जिससे अतिथियों को खुशी मिले। और आज मैं आपको ये स्क्रिप्ट दे रहा हूं, शुरुआत कीजिए। दोस्तों, किसी भी जाति समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज की कुछ शख्सियत होती हैं जो मिलकर चलते हैं और तन मन धन से सहयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट जन, प्रतिष्ठित जन हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उनका नाम अनाउंस करूंगा। माननीय श्री जी एम श्री जी, जो हमेशा दूसरों को ऊपर उठाने के लिए हमेशा सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये विशेष चरित्र, उज्जवल व्यक्तित्व इस मंच पर आए और हमारा सम्मान स्वीकार करें। समाज के इन रोशन चेहरों का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सम्मान के लिए इस सद्भावना मंच पर हमारे श्रेष्ठ कुल से प्रतिष्ठित सज्जनों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज ने अतीत में अपने शौर्य और स्वाभिमान का अनूठा परिचय दिया है। हमारे समाज का सुनहरा अतीत हमेशा याद रहेगा। इसी सुनहरे अतीत को अपने चमत्कारी शब्दों में परिचित करवाने आ रहे हैं हमारे कुल की बुलंद आवाज। किसी हारे हुए के मन में उम्मीद जगा सकते हैं, आदमी को खुद की नजरों में उठा सकते हैं। ऊंचा उठने के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द इंसान को बादशाह बना देते हैं। अपने शौर्य और स्वाभिमान भरे विचारों को लेकर आ रहे हैं श्री विक्रम जी। जब तक ये मंच पर आते हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, पथ में कांटे ना होते तो जीवन का आभास ना होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास ना होता। इसके बाद आप दूसरे वक्ता को जब बुलाते हैं तो कुछ इस तरह से बोलिए, आज के परिवेश में कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की जरूरत है। हमारे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम युवाओं पर है। हमारे समाज के युवाओं के लिए जरूरी है कि अपने शौर्य और पराक्रम भरे इतिहास को हमेशा याद रखें। ख़त्म होकर भी जो ख़त्म नहीं होती कहानी उसे कहते हैं, ख़त्म होकर भी जो ख़त्म नहीं होती कहानी उसे कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। ऐसी विश्वास भरी एक युवा आवाज़ को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जिनकी बातें सुनकर हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत हैं, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत हैं। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत हैं, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। अपनी असीम शक्तियों के प्रति जागरूक करने आ रहे हैं श्री, मंच पर आए और हमें अपने विचारों से अवगत करवाएं, यानी कि जोरदार तरीके के साथ बोलिए। आपकी करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। कुछ शख्स समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, अगले वक्ता को जब आप बुलाते हैं, कुछ शख्स समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता, दृढ़ व्यक्तित्व के धनी, अपार ऊर्जा के स्रोत श्री को। वह मंच पर आए और नई पीढ़ी को उनके गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक करें। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से जोरदार आवाज के साथ आप बोलिए, आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, शब्द भी बहुत जोरदार होने चाहिए। सीखते रहिए स्वामी जी YouTube चैनल से। और अगर आपको किसी भाषण की, संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए या मंच पर बोलना सीखना हो तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।